Assalamualaikum to everyone, welcome back to another vlog. आज की रूटीन में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा रात के खाने का वक़्त था. मैं और रमीन के बाबा खाना खा चुके थे. रमीन खाना खाने में ज़िद कर रही थी तो उसने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने उसको ब्लॉग्स दिए ताकि वो खेलने लग जाए और साथ में मैं उसको खाना खिला सकूँ. थोड़ा बहुत फिर एक्टिविटी साथ करती रहती है और फिर खाना खा लेती है. और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं रमीन के लिए सेवैयाँ बना रही थी, वो मेरे व्लॉग में आप देखेंगे. और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रमीन को हमेशा हेल्दी फूड खिलाऊं, उसको बाहर की चीज़ें ना खिलाऊं. ज़्यादातर उसको घर के बने राइस हों, सेवैयाँ हों और मुख्तलिफ़ किस्म के पैनकेक्स वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं घर पर. तो मेरी यही कोशिश है कि रमीन हेल्दी फूड ही खाए. खाना खाने के बाद मैं किचन में आ गई थी. किचन में मैंने दूध गर्म किया था तो उसकी बलाई वगैरह उतार के रखने लगी थी. ये जो मैं बलाई वगैरह सारी ये जमा करती रहती हूँ और तकरीबन 15 दिन के बाद मैं इसको जाग लगा के इससे मक्खन निकाल लेती हूँ और वही मक्खन और देसी घी इसका बन जाता है. तो हम इससे रोटियों पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं और खाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं. ये सब काम ख़त्म करने के बाद ना मैं रमीन के लिए बना रही हूँ सेवैयाँ, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ये सेवैयों के लिए मैंने दूध जो है थोड़ा सा ले लिया. ये दूध हमारा गर्म हो रहा है. इस पे मैं अब जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें ऐड करूँगी सेवैयाँ. और मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए. आप भी कोशिश किया करें आप अपने बच्चों को घर के फूड की आदत डालें, बाहर के खाने कम खाएं. क्योंकि एक जो माँ होती है उसे पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ सबसे अच्छी है. और जो बाहर का खाना होता है उसका हमें नहीं पता होता उसमें क्या कुछ शामिल है. और जो घर का खाना है वो यकीनन माँ के हाथ से बनता है, तो यकीनन वो हेल्दी वे में ही बनता होगा ना. तो कोशिश किया करें अपने बच्चे को हेल्दी फूड ही खिलाएं. ये हमारी सेवैयाँ जो हैं बिल्कुल रेडी हो गई हैं. अब मैं इसको थोड़ा सा हिला के थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी. इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है. चीनी की मैं ज़रा कम मिकदार ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चे चीनी कम ही खाएं तो ठीक है. रमीन को ज़्यादातर ना वैसे मीठी चीज़ें ही पसंद हैं, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए ना थोड़े से तड़के वाले राइस, कभी आलू वाले राइस, चिकन वगैरह ये मैं इसको देती रहती हूँ. सब्ज़ियाँ ये पहले नहीं खाती थी, अब मैं बहुत कम मिर्च में ना खाना बनाती हूँ तो अब ये खाना खाना शुरू हो गई है, सब्ज़ियाँ खाने लगी. पहले ये सादा ही रोटी खाती थी. ये रामीन के लिए सेवैयाँ रेडी हो गई हैं. मैं इनको थोड़ा ठंडा कर लूँगी और फिर रामीन को खिलाऊँगी. रामीन ने खाना बहुत कम खाया था तो मुझे ज़रा तसल्ली नहीं हुई. मैंने कहा फिर इसके लिए मैं सेवैयाँ बना लेती हूँ. ये आप देख रहे हैं बादाम वाली बर्फ़ी है. ये मेरी दोस्त सबा ने मेरे लिए खारियाँ से भेजी है. सबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
की मिठाई बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। वो हमेशा वहाँ की मिठाई की तारीफ़ करती थी। नौना हलवाई उधर का है, तो ये उसने हमारे लिए भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबा। बाबा रमीन से बाबा बाबा ये छत से हमारी सोसाइटी का बाहर का व्यू आप देख रहे हैं। ये इंट्रेंस है बिल्कुल, और ये ओवर व्यू है। ये रात का वक्त है, मैं रमीन को छत पे लेके आई थी खिलाने के लिए। रमीन के बाबा थोड़े बिजी थे। बाबा अच्छू कैसे कहते हैं? अच्छू।